नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां अंबे। दोस्तों, नवरात्रि में यह खास 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 7 संकेत आप भी अपने घर में अवश्य चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, यदि हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर देना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। ये यदि 7 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके पश्चात मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगा कैसे और कौन से 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी है। यदि आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, किंतु कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को जान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, किंतु उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। यह सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि अधूरा ध्यान सदैव खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वह है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है, ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती है। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़क, चक्र, गधा, धनुष, बाण और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती है। मेलमरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो यदि आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम चंद्र। शैलपुत्री देवे नमः। नवरात्रि के दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते ही देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञा। देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण, उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली, तो माता रानी ने कठोर तपस्या की। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, यह देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं।
इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है ये भयंकर है, घंटे की ध्वनि से यह सभी दुष्ट व्यक्तियों का न करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गधा, धनुष, बाण, खंडक, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले हैं, ध्यान से जगमगाने वाली है। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधा और जो परेशानियां आती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। यदि आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है, चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के 4th दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम से भी सुन लीजिए, ये माता कुष्मांडा है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। माता हमें अयोग, यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा। नवरात्रि के 5th माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाए। स्कंद भगवान को अपनी गोद में सदैव बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। यदि आप माँ की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र, ओम देवी स्कंद माता नमः। ये माता का मूल बीज मंत्र है दोस्तों। इसके पश्चात नवरात्रि के 6th दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। मां दुर्गा के 6th रूप को मारकाट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, आरसी कात्यायनी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहां पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। आरसी कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम काट यानी पड़ा है। माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के पश्चात माता को जो मूल बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है, ओम देवी कात्यायनी। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की 7th तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हां, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय जल है। भय रात्रि, भय को दूर करने वाली काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सब प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता को जो बीज मंत्र है, मेरी क्लीन चामुंडा विजय, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। या फिर होम काली के नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं दोस्तों। नवरात्रि की 8वें दिन नवरात्रि के जो 8th स्वरूप कही गई है, माँ गौरी, माँ दुर्गा का जो 8वें स्वरूप है, ये माँ गौरी है। हिमालया में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढक कर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है। और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, और यदि आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में, किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री माँ। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है।
इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिक जितनी भी जातक है, साधक है, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साध धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री, आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धि धरती की आराधना करना शुरू कर दें। और जो बीज मंत्र बताया है, इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेल गति में जलना। जी हाँ, यदि आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और यदि ज्योति की लौ गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। यदि आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। 5वां संकेत बताते हैं बार बार घर में यदि काली चींटी निकलने लगे, यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है और रास्ता काटती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपको अपने घर में अचानक से ईतर जैसी कोई सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। 7वां संकेत फटे कपड़े पहने। यदि कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए याचक बन करके आ जाती है, क्योंकि इस बार अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं और ये आपको समझना होगा। तो ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।